2021 में आयोजित होने वाले स्टोन मार्ट के लिए बुधवार को उद्योग भवन में एमओयू साइन किए गए। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रिको, सिडास और फीकी से एमओयू किए। इस दौरान रिको के एमडी गौरव गोयल और सिडास के मुकुल रस्तोगी और फीकी के मानव मजूमदार भी मौजूद रहे। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एमओयू करती है। राजधानी में पहले से भी स्टोन मार्ट आयोजित किए गए, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। देश विदेश के निवेशकों ने राजधानी आकर इस उद्योग में निवेश किया है। रिको के साथ एमओयू भी हुआ है। 2021 में स्टोन मार्ट का कार्यक्रम होगा और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत अभी से शुरू कर दी जाए। रिको एमडी गौरव गोयल ने कहा कि कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशक भी शामिल होंगे। आज जो एमओयू है 2021 के लिए, ये बहुत ही सफल होगा। अभी राजस्थान में हुआ, अभी पिछले दिनों सबसे ऐतिहासिक समिट रहा। बहुत अच्छा कारोबार हुआ, बहुत ही उसमें सरप्लस मनी रही और स्टोन वार्ट का काम राजस्थान में और भी आगे बढ़े, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान का स्टोन वार्ट में अपने आप में एक अलग स्थान है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। और जो इस 21 के लिए हुआ, जहाँ भी होगा राजस्थान का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, रिको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करना, इंडस्ट्रीज़ को उनके आवश्यकता अनुसार डेवलप लैंड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोवाइड कराना रिको का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और जैसा आपने मेंशन किया कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल सिनेरियो में आज जब पूरे देश में ऐसा सिनेरियो बन गया, जब स्टेट्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो उन स्टेट्स में जाना पसंद करते हैं, उन स्टेट्स में जाते हैं जहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, जहाँ फिस्कल इंसेंटिव्स बेटर है, जहाँ फैसिलिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ओवरऑल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट अच्छा है।